सिवनी के लखनादौन सिविल अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की संवेदनहीनता सामने आई है। प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक महिला को अस्पताल में बामुश्किल बेड दिया गया, उस पर भी स्टाफ ने महिला को इस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ने के लिए ना तो कंबल दिए न ही गद्दे उपलब्ध कराए। इतना ही नहीं, अस्पताल के स्टाफ ने गर्भवती महिला को चलता करने की भी कोशिश की। जब इस बारे में बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने वही जाँच कराने का रटा रटाया जवाब दिया। सिवनी में लखनादौन के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की संवेदनहीनता का नजारा देखने को मिला। सुबह करीब 4 बजे प्रसव पीड़ा से तड़प रही अनीता दीक्षित को डॉक्टरों की उपेक्षा के चलते ठंडे बिस्तर पेटी में बिना किसी चादर के करीब आधे घंटे लेटना पड़ा। इतना ही नहीं, अस्पताल में मौजूद महिला नर्सों ने कंबल न होने की बात कहकर उसे चलता करने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पीड़ित महिला को अस्पताल में एक पलंग नसीब हुआ, लेकिन अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने गर्भवती महिला को न ही कंबल दिए न ही गद्दा उपलब्ध कराया और आखिर में महिला को अपने घर से लाए हुए कपड़ों पर ही सोना पड़ा। नांगदहार से आए हम, वंदना दीक्षित नाम है, देवरानी के लेके आए हैं जी। हमारी कोई व्यवस्था नहीं भाई, 4 बजे हम लेके आए थे, हम बिस्तर पेटी में से लेटा आए थे, बोल रही थी, कहते कुछ नहीं है, कम्बल अम्बल पलंग खाली है ही नहीं, हम कहाँ व्यवस्था करें, ऐसे ही लेटा आए थे बिस्तर पेटी। हमने कम्प्लेट करे जब कुछ कम्बल नहीं निकाल। आपकी डिलीवरी कहाँ हुई? घर में हो गई थी। अच्छा, फिर कहाँ में लेके आए आप लोग? अस्पताल गाड़ी गई थी। अच्छा, जब यहाँ लेके आए थे स्टाफ, जब यहाँ लेके आए थे स्टाफ में कौन था, क्या बोला स्टाफ आपसे? मैडम हती ना, मैडम ने बोली के पलंग खाली नहीं है, कहीं भी लेटा दो, तो हम बिस्तर पेटी में लेटा दो, बाहर एक बिस्तर पेटी डाली से लेटा दो। हमने कहा तो आपने कहा नहीं कि हमको चद्दर दीजिए, कंबल दीजिए? कहे तो हमने कभी व्यवस्था बनाओ, हमें कच्ची दे, तुम लेके कहे नहीं आई घर से। अच्छा, तो हमने कहे हम जल जल्दी में आ गए, घबरा गए थे, कुछ नहीं धर पाए। जो जो पेटी है बिस्तर पेटी, ठंडी पेटी मिलता दिया, ठंडी पेटी में कहीं लेटा दो, कहे हम कहा दिए बिछा। कितनी देर लेटी रही आप? कम से कम आधा घंटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? आखिर हमारे तक चाचा जी आए, उन्होंने कम्प्लीट करी, फोन लगा है, जब कम्बल नहीं निकाल बिस्तर पेटी में से। जब इस बारे में सिविल अस्पताल की बीएमओ बीएम सोलंकी से बात की गई तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया। सोलंकी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। इसकी मेरे इसकी कोई जानकारी नहीं है सर, मैं दिखाता हूँ, तो देखेंगे कोई दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी डॉक्टर कम्बल और तकिया रजाई गद्दा उपलब्ध नहीं कराता है जी। ये तो स्टाफ का काम रहता है जी। जो भी ड्यूटी होगा उससे बात करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।